पंजाब की चन्नी को अगर हम देखें तो कितने नंबर आप देना चाहेंगे अशोक जी, आपसे मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी, कैसे देख रहे हैं आप पंजाब के आने वाले साल के लिए? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो चन्नी की जो हमें हॉरोस्कोप मिली है उसके आधार पर चन्नी जी पंजाब के लिए कांग्रेस पार्टी के कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद बहुत अच्छे मैं कहूंगा कि कैंडिडेट हैं। लेकिन यदि ये सिद्धू को वहां पर इग्नोर करते हैं या मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी सिद्धू को कमांड नहीं देती है तो सिद्धू क्या करेंगे? पूरा कांग्रेस कुछ दिए वो इतना कुछ ले लेते हैं कि उन्हें देने की जरूरत ही नहीं पड़ती शायद। अगर बिल्कुल, क्योंकि सिद्धू का अपने आप ही वो मैं कहूंगा इनिशिएटिव ले लेते हैं या दूसरे को सुपरसीड कर जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं चन्नी का जो मैं कहूंगा कि जो भविष्य है चन्नी, मैं कहूंगा कि एक अपने आप में मैं कहूंगा कि लीडर नहीं है, लेकिन उनको जैसे अभी भी आप देखेंगे कि उनको मुख्यमंत्री पद मिल गया, लेकिन एक जो लीडरशिप क्वालिटी होती है वो चन्नी की जनकुंडली में मैं नहीं देख रहा हूं। लेकिन यदि कांग्रेस पार्टी को वहां पर दोबारा से सत्ता में आना है या बेहतर प्रदर्शन करना है तब चन्नी को कहीं ना कहीं सिद्धू का सहयोग मिलेगा तो ही वो वहां पर अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी और चन्नी भी अपनी मैं कहूंगा कि सत्ता बचाने में और कांग्रेस की नैया जो अभी वहां पर मुझे लगता है अभी तक जो लग रहा है वो तो लगता है काफी डूबती हुई नजर आ रही है, लेकिन चन्नी और सिद्धू मिलकर कांग्रेस की नैया वहां पर पार लगाने में कमाल खिला कर सकती है ये जोड़ी। तोशिका राजौरी जी क्या कह रहे हैं आप, आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, कमाल खिला सकते ये जोड़ी? देखिए पहली बात तो पंजाब की अगर मैं बात करूं तो अपने ही लोगों के बीच में डिफरेंसेस होना, अपने ही लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप होना, ये बहुत क्लियरली यहाँ पे नजर आ रहा है। और अगर मैं चन्नी जी के यहाँ पे बात करूँ तो लीडरशिप क्वालिटी वाली चीज ऐसा नहीं है कि उनके अंदर नहीं है, पर हाँ बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि ही इज नॉट अ प्रोएक्टिव पर्सन। पहले से प्रॉब्लम के बारे में सोचकर उसके लिए स्ट्रैटेजीज बनाने वालों में से नहीं है। जब प्रॉब्लम सर पे गिर जाती है तभी उसके बारे में सोच के आगे बढ़ने वालों से, ये स्ट्रैटेजी जो है वो पंजाब को मुझे नहीं लगता बहुत लंबे समय तक आगे लेके जाएगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिद्धू जी जो है उन्हें कमांड मिलना चाहिए, उन्हें देना चाहिए पार्टी वालों को, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, क्लियरली बता रहा है कि एकदम क्लीन स्वाइप होगा अगर सिद्धू जी यहाँ पे होंगे। चन्नी जी के स्टार्स मुझे एज कम्पेयर सिद्धू जी बहुत वीक लगते हैं। बिल्कुल, रामेश्वर प्रसाद जी के पास जाना चाहूंगी और सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप दोनों में से किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं, आपके हिसाब से क्या लग रहा है आने वाला साल किसके लिए बेहतर साबित होगा? अगर हम लोग चरणजीत सिंह चन्नी की बात करें तो अगेन हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट रो में सिर्फ एक ही अंक है जिसके चलते उन्हें भी बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, बिना किसी गॉडफादर के सपोर्ट के वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो चरणजीत सिंह चन्नी के लिए किसी न किसी के सपोर्ट की जरूरत होगी। जहाँ तक सिद्धू जी की बात अगर करें तो उनके सितारे 2022 में काफी बुलंद हैं, तो वो एक मजबूत लीडर के रूप में उभरेंगे पंजाब में और उनका बहुत बड़ा रोल होगा पंजाब की सरकार के गठन में। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जो दाव खेला था वो सही खेला था, लेकिन जो अंदर खाने वो अपना कुछ चला है, पार्टी को खुद पर ही ध्यान देने का ज्यादा फोकस करने की जरूरत है।